It's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. 27 November 2022 और आज मई 2024 ऑलमोस्ट कह सकते हो डेढ़ साल बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और ये दिन का मुझे काफी बेसब्री से इंतजार था कि हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज प्रीति यादव एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. यस सर, वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं. अगर आप एक रियल मुंबईकर्स हो तो आप सबने ये सुना ही होगा. तो आज मैं इस मुंबई की तड़कती भड़कती गर्मी में निकल पड़ी हूँ एसएल वर्ल्ड नहीं कि उसके बाजू में है वाटर किंगडम. मैं आ गई हूँ बोरीवली स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हो. और यहाँ से वाटर किंगडम जाने के दो तरीके हैं. फर्स्ट, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ से ट्रेन लेके डायरेक्टली बोरीवली स्टेशन उतर जाओ और यहाँ से या तो आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हो या सेकेंड ऑप्शन है बस, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. और उसके बाद आप जाओगे फेरी प्रिफर करने, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा. अगर आपको थोड़ा बजट में करना है तो सेकेंड वे इज कि आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से भाईंदर स्टेशन उतरो और भाईंदर स्टेशन उतरने के बाद बस नंबर 4 प्रिफर करो, जो आपको चीप भी पड़ेगा. एट द सेम टाइम आप जंगल से होते हुए जाओगे, जो कि वो अपने वे में एक सीनिक व्यू होगा आपके लिए. फाइनली इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट. वेल, मैंने बहुत मिस किया, आई होप आपने भी मिस किया होगा. तो फन फैक्ट नंबर 1 ये है कि अगर आप कोई भी थीम पार्क या वाटर पार्क जाते हो तो इनसाइड फूड बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. एट द सेम टाइम बाहर का फूड अलाउड नहीं होता है. तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप है ना ब्रेकफास्ट करके निकलो और हैवी ब्रेकफास्ट करना कि आप दोपहर तक आपके अंदर एनर्जी बने रहे. और ये था बजट टिप नंबर 1. तो हम बोरीवली स्टेशन से बस नंबर 8294 एसी बस लिए, जो कि एट प्रेजेंट मुंबईकर्स के लिए लग्जरियस है. और यहां से बस लेके हम आ गए हैं गोराई क्रिक. सो फेरी की टिकट है 100 rupees पर पर्सन और ये रिटर्न टिकट है. आपको ये टिकट संभाल के रखनी होगी, तो खोना मत और गिल्ला मत कर देना. दस मिनट की फेरी राइड के बाद अब हम आ गए हैं एंट्री पॉइंट पे और अभी हम जाएंगे एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम गेट के एंट्री लेते हुए. और आप ये दोनों देख ही सकते हो, दो मुस्टंडे खड़े हैं हमारा स्वागत करने में. सो फाइनली मैंने टिकट ले ली है. वेल, नॉर्मल टिकट का प्राइस 1350 पड़ रहा था और अगर आप है ना एसएल वर्ल्ड या वाटर किंगडम के वेबसाइट पे जाकर देखोगे ना कुछ ऑफर चलता रहता है. तो आज का रेगुलर टिकट में ऑफर ये था कि 4% और 6% पे खाना फ्री था. वेल, मैं तो 2 लोग के साथ आई थी तो ये मेरे लिए ऑफर वैलिड नहीं है. तो मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ. ये है मेरा पासपोर्ट नेक, जो एग्जैक्टली पासपोर्ट जैसा दिखता है और वहाँ पर आपका डिटेल्स भी पासपोर्ट की तरह होता है. तो मैंने पासपोर्ट लिया नेक्स्ट, जिसका कॉस्ट था 1560. अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3 बार विजिट करने का मौका, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, बर्ड्स पार्क. अगर मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि मैं सिर्फ 2 ही बार विजिट कर रही हूँ, तो डिवाइड करूँ 1560 by 2, विच बिकम 755. अगेन ये मेरे लिए तो बेनिफिट और विन विन सिचुएशन हो गया. अज्यूमिंग मैं एक बार तो विजिट कर ही लूँगी. अभी उन्हें बहुत बोल दिया है, चलो जाते हैं अंदर. वेल, वाटर किंगडम में एंट्री लेने के लिए आपको लेनी पड़ेगी 2 मिनट की टॉय ट्रेन, जो कि होती है फन एंड एक्साइटिंग. और उसके बाद होगा आपका बेसिक सा सिक्योरिटी चेक, जहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपने फूड कैरी किया है कि नहीं. वेल, मैं तो सजेस्ट करूंगी मत कैरी करना, वरना मेरी बजट ट्रिप फेल हो जाएगी. ठीक है, टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 2. पहले हमने लिया बस, फिर लिया फेरी, फिर लिया वाटर किंगडम के लिए टिकट. अरे भाई, खर्चे ही खर्चे, बट लास्ट खर्चे तो इम्पोर्टेंट है ना. अगर आपके सामान खो गए तो इसके लिए लेने पड़ेंगे आपको लॉकर. तो हम यहाँ पर है ना 2 टाइप का लॉकर मिलता है, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रिक. मैंने तो इलेक्ट्रिक लिया है. मैकेनिकल का 150 डिपॉजिट चार्ज है, दोनों का प्राइस सेम है 200 rupees. सो
वेल इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 3। आपको तो पता ही है वाटर किंगडम में हर चीज एक्सपेंसिव होती है, और बेसिक चीज जो इम्पोर्टेंट है वाटर में जंप करने के लिए वो है हमारे नाइलॉन क्लोथ। और यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल है, वेल फर्स्ट इज टू रेंट इट जिसका स्टार्टिंग प्राइस इज 150 दैट टू बेसिक, और सेकेंड है आप न्यू लो। न्यू इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट वर्थ द क्वालिटी, लाइक उसकी क्वालिटी वर्थ इट नहीं है। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप घर से लाओ और उससे आपके पैसे बचेंगे। और ये था हमारा फन फैक्ट 3। जनरली वॉटर पार्क में दो तरीके के लोग होते हैं, पहले जो एक राइड 10 बार करते हैं और दूसरे जो 10 राइड सारी राइड एंजॉय करना चाहते हैं। और आप इनमें से कौन से हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और सेकेंडली वो दोनों इंसान को तो मैप तो पता होना चाहिए ना, तो आप जानते हैं मैप के बारे में, चलिए। तो ये है वॉटर किंगडम का गाइड मैप और ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है वेटलैंडिक वेवपूल, जैसे ही आप एंटर करोगे वो आपको डायरेक्टली देखने मिल जाएगा। देन सेकेंड इज दी लगून, दी लगून में आपको 90 डिग्री 60 डिग्री के राइड्स देखने मिलेंगे ब्लैक डेमन। एंड द थर्ड इज ड्रिफ्टिंग रिवर, जहाँ पर आप आके बहुत चिल कर सकते हो। फोर्थ इज ग्रुफ्स लगून, ये भी चाइल्ड के लिए है। एंड द फिफ्थ इज फॉर द एडल्ट राइड विच इज एडवेंचरस अमेजोनिया, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट राइड विच यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर। जो कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट थीम से इंस्पायर्ड है, और यहाँ पर आपको 4 राइड्स देखने मिलेंगे और उसमें से आपको 2 तरीका का राइड्स देखने मिलेंगे। एक है ट्यूब वाली, ट्यूब में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक सिंगल ट्यूब एक डबल ट्यूब। और जो सेकेंड राइड है वो है योगा मैट की तरह, जो कि बहुत ही एडवेंचरस है और वो जिगजैग स्नेक की तरह है। वेल मैं तो देख के डर जाती हूँ। अमेजोन एडवेंचर अमेजोनिया और लगून के बाद लग गई थी भूख, और फिर हम आ गए खाना खाने। और छोले भटूरे का कॉस्ट है 220 एंड इट इज़ वेरी यम्मी भाई। थकावट के बाद ना जो खाने में स्वाद आता है ना, ऐसा लगता है कि वो स्वाद मिल ही नहीं सकता नॉर्मली। अरे यार खाना खा के पेट भर गया है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, और मैंने 1500 रुपये स्पेंड किए, तो क्या करूँ बताओ। वेल इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, और ये है ड्रिफ्टिंग पूल।
यहाँ पर खाना खा के मस्त आराम से सो जाओ। जर्नी हैज केम टू एंड और आज मैंने एसएल वर्ल्ड में काफी एंजॉय किया एंड ट्रस्ट मी इट वॉज सो फार द बेस्ट एक्सपीरियंस आफ्टर 1.5 ईयर्स। वेल यहाँ से मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ और बजट प्रेजेंट कर रही हूँ और हाँ मैं काफी दिन बाद रिटर्न आ रही हूँ तो भूल चूक माफ करना।